छोरा शहर की गोरी, she's so hot, she's fun in a million, महा लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है तेजी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी फंगली, ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जो, ना जाने कहां से ये आई रे भगवान, hey, cut it out, गवार हाय रब हुआ ओ कागज जब हुआ ओ हाय रब हुआ कागज जब हुआ जब 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 हुआ कागज जब हुआ जब जब हुआ कागज जब हुआ जब जब हुआ कागज जब हुआ जब लव हुआ छोरी काहे पागलों की तरह भागी जा रही हो? अरे एक कंगना है, अम्मा ने कंगना और वो शहरी छोरी है ना आन्या, हाँ हाँ, उन दोनों के बीच परीक्षा रखी है कि घर के काम में कौन ज्यादा गुणवान है, कंगना या आन्या। आन्या जी और तेज, और तेज आन्या जी, आज तो कंगना तो हरा ही दीजिए। कंगना ही आज जीतेगी। अरे जा जा लगा ले शर्ट, आज तो आन्या भी जीतेगी। देवी नदी की तीर के तुम अति भ्रष्ट हो गई। चल चल अपना काम करें। समय निकला जा रहा है। पूजा बाद में कर लेना पिताजी, ये कार्य बहुत जरूरी है। कौन सा कार्य? कहाँ से? जल्दी। नमस्ते पंजाजी। नमस्ते। पिताजी जल्दी से आने जी को ये आशीर्वाद दीजिए कि वो आज की परीक्षा में सफल हो जाए। कौन सी परीक्षा? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, उसका समय ना है, अब बस आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बिटिया, सफलता प्राप्त हो तुमको। थैंक यू पंडित जी, दैट्स सो स्वीट। नमस्कार, देवरी नदी के तीर से मैं मुनक्का सिंह काला आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मुकाबला एकदम दिलचस्प मुकाबला पहुँच चुका है। एक तरफ आन्या के चाहने वाले खड़े हुए, दूसरी तरफ कंगना के चाहने वाले खड़े हुए, दोनों में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे पहले फूलों की टोकरी लेकर के दादी के पास पहुँचे। अरे सुनो सुनो, अरे खाना वाना बनाओ घर जाके, कहे कि तुम्हारी जो प्रतियोगी है वो हारने वाली है। खाना तो तुम्हें बनाना पड़ेगा रंगीला, क्योंकि कंगना ही जीतेगी। अरे क्या, अरे क्या, अरे आन्या आन्या, अरे कंगना आ गई। आन्या, आन्या जी आती होगी, कहाँ रह गई हैं? अरे आन्या आ गई, come on, आन्या आ गई, Hey!
कंगना कैसे गिर गई? ये तो मदद कर रही है। हाथ दो, चलो। अरे मिन्नी, क्या हुआ? इसे चोट लगी है। अरे संभल, ठीक तो हो ना तुम? जी, पैर में मोच आ गई, ठीक हो जाएगी। ये तो आन्या का बड़ापन है, अपनी जीत के परवाह न करते हुए तुमने कंगना की मदद की। बाहर फूल कहाँ है छोरी? वो तो का मतलब है ये छोरी ने दौड़ पूरी नहीं की, कंगना ने दौड़ पूरी की और उका हाथ मां फूल भी है, तो जीत किसकी हुई? कंगना। अरे शांत हो जाइए जरा, रुकिए सब। वादा दिया, क्या इंसाफ है तेरा? तुझे ये नहीं नजर आया कि बिचारी ने जीती हुई दौड़ छोड़ दी, पर ये नजर आया कि फूल कहाँ है? ये नहीं दिखा कि कितना बड़ा बलिदान दिया इसने? अरे छोड़ दिया, दौड़ रखी। हाँ। माँ जी, आन्या ने सिर्फ दौड़ ना जीती है बल्कि देखने वाले सब गांव वालों का दिल जीत लिया है उसने। आन्या ये भी बिल्कुल एकदम। अरे चुप, ससुर अकल के अंधो, कोई विजयी ना है क्योंकि दौड़ पूरी किसी ने ना की है। हाँ, किसने कहा काम किया है उके अंक मिलेंगे। तो आन्या को भी कंगना की मदद के लिए अंक मिलने चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ठीक है, उके अंक मिलेंगे। दोबले दोबले जब्बार, बहुत बढ़िया। ए छोटू, कंगना ने भी तो दौड़ पूरी की है, उके नाम पे लगा है गुपला। हाँ लगा रहे ना। ज़्यादा डोंट बी टू हैप्पी किशन, आखिर आन्या ने आज प्रूफ कर ही लिया कि वो भी जीत सकती है। रियली? स्कोरबोर्ड तो कुछ और ही कह रहा है, कंगना अब भी आगे है। हाँ, अगर आन्या सेल्फिश होकर आज रेस पूरी कर लेती ना तो स्कोरबोर्ड भी कुछ अलग ही होता। वो सब छोड़ो, डिसाइड किया कि तुम बेट कर रही हो या नहीं? एक्चुअली रहने दो, तुम्हें बेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम बेट करोगी आन्या पे, आन्या हारेगी, साथ साथ तुम भी हार जाओगी, इस वगैरह वगैरह। Yes, I am betting. Pula? हाँ, क्या हुआ? मेरी भी एक बेट लगाओ। ये बात। एक स्कॉच की बोतल कंगना पर। What? कंगना पर? Yes, कंगना पर। Of course, मैं चाहती हूँ कि आन्या ही जीते। I mean, I wish her all the best. But किशन, scotch is a scotch. अब जबकि village housewife competition में तो कंगना ही जीतेगी, तो मेरी blessings मैं आन्या पर bet करूँगी। One bottle scotch, कंगना पर। वो चाहती तो दौर जीत सकती थी, पर हमका मदद करने रुक गई। का है
हम जाना था, तू का सोच रही है? बस बस बैठी रहे। तू यही सोच रही है ना कि उस शहरी बिल्ली ने तोरी मदद काहे की? ये सब नौटंकी है, हम पहले भी देख चुके हैं ये सब। पहले गहना के साथ ये सब करके रघु को उसके जीवन से बाहर कर दिया, अब तोरे साथ ये सब करना चाहती है। वो बिल्ली अच्छी तरह जानती है कि तू सब कामों में उससे बेहतर है। हम भी ये सोच रहे थे कि ये शहरी चुड़ैल ने हमारी मदद की तो की का है? अच्छा, तो ये चाल थी उनकी? बिल्कुल, वो हमार बछुआ पे जादू टोना करके उसको अपने बस में करना चाहती है। वो और काका कर सकते है, जरा सोच बिटिया। तू अपनी जगह पे अटल रहना, अपने लक्ष्य को ना भूल। हार लक्ष्य है रघु से ब्याह। ए छोटू छोटू, भोला का है? हमें का पता, झूठ बोलता है। बता भोला का है? हाँ बताते हैं, तो वो कन्या के साथ गए हैं, कुएं पे गए हैं। अच्छा, मेरे बिना ही कुएं पे चला गया? हाँ, अभी बताती हूँ मैं उसे। लेकिन आन्या, तुमने कंगना की मदद क्यों की? मैंने सोचा नहीं, वो गिर गए तो मैं क्या करती? मुझे लगता है ये सब देवरी नदी के तीर का असर है। प्लीज डोंट टेल मी मैं इन लोगों के जैसे स्वीट और सेंटिमेंटल बनती जा रही हो। बनती जा नहीं रही हो, बन चुकी हो। हाँ, पहले वाली जिद थोड़ी बहुत बाकी है, लेकिन अब वो जिद प्यारी लगती है। हाँ, इस सत्य से तो हम भी साक्षी हैं। वैसे अड़ियल तो अभी भी पहले की तरह है, लेकिन अब घुमा के देने का मन नहीं करता। रघु। हाँ हाँ, करो मेरी बुराई। अच्छा तो कभी बोल ही नहीं सकते, कभी कुछ अच्छा कहा है मेरे बारे में? Excuse me, पहले तुम्हें मुझे घुमा के देने का मन करता था। हाँ, तो दो घुमा के। अरे दो, अरे काहे लड़ती काहे हर बात पे? अच्छा सुन, बैठो बैठो। तो मेमनी, अगर हम तुम्हें कहें कि आज जो तुमने किया उससे हमें तुम पे बहुत गर्व है, तो सच जानती हो, ये परीक्षा वरीक्षा इस सबसे हमें बहुत चिढ़न थी, ठीक है अभी भी है, लेकिन जिस मेहनत और लगन से तुम हर कसौटी पे खरी उतरती आ रही, वो देख के हमारा मन तो प्रसन्न हो गया। और अब तो मैं हार रही हूँ। अरे पगला गई होगा तुम, दूसरों के लिए हारी होगी, हमारे मन में तो जीत चुकी हो। ओके ओके, आई थिंक बहुत जल्दी ये सीन सेंटिमेंटल से रोमांटिक हो रहा है, तो फिर मैं यहाँ से चलती हूँ। रघु, हम दोनों ने इतने दिनों से प्यार की दो बातें भी नहीं की, टाइम ही कह रहा है ना? क्या सोच रहे हो? मिमनी, हम सोच रहे हैं कि कहीं हम तुम्हारे साथ जाती तो नहीं कर रहे। मतलब हमसे शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? एक छोटा सा घर, रोज का काम, बिना कोई आराम, जिन चीजों की तुम्हें आदत है वो हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। कहीं हम तुमसे बहुत बड़ा बलिदान तो नहीं मांग रहे? जो कुछ कर रही हूँ ना, मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये प्यार तो हम भी तुमसे बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि क्या
है प्यार काफी? तुम क्या कह रहे हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? हाँ, कहीं टायर और जीडी ने तुमसे कुछ कहा? बोलो 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 ना रघु। हाँ बेबी, बेबी चलो, बुलावा आया है, दादिया ने बुलाया है। ये दादी भी ना हर वक्त गलत टाइम पे ही बुलाती रहती है। अब जाओ, इससे पहले कंगना को ज्यादा आंख मिल जाए। जाओ तो। अरे जाओ ना, दादिया इंतजार कर रही है तुम्हारा। जाओ। ठीक है, मैं अभी तो जा रही हूँ, पर मुझे जानना है किसने तुमसे बात की है। चलो। हाँ आ रही हूँ। कैसे बताएं तुम्हें कि 30 दिन में 2 लाख का इंतजाम करना है, न जाने कैसे करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानम्। अरे ये भटकती आत्मा यहाँ कहाँ भाग जा रही है, क्या करें? छुप जाते हैं भाई, छुप जाते हैं भाई, यहाँ छुप जाते हैं। भोला, भोला, कहाँ है चिल्ला रहे हैं भाई? भोला, ये मैं आजकल क्या सुन रही हूँ? कौन सी लड़की के साथ घूम रहे हो तुम? देखिए, आप क्या अनशन पक रही हैं? हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, हम किसी कन्या को नहीं जानते हैं। भोला, बहुत ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। बताओ बताओ। देखिए किंतु परंतु हमारी बहन। भोला जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे रहते हुए अगर तुमने किसी भी कन्या को देखा ना तो राहुल जी प्रणाम। कैसे हैं राहुल जी आप? भोला, भाग क्या? लेकिन भाग के जाएगा कहाँ? पकड़ तो लूंगी ना मैं उसे। एक्चुअली राहुल कहाँ है? कंगना के 5 उपले तो थे, आने के और 2 उपले लग गए, एक दूध धोने के, एक चाय बनाने के। गेना, इतना मजा। गेना। हाय। नमस्ते। गेना रुको, गेना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कहो ना, आपको कौन रोक रहा है? मुझे गेना से अकेले में बात करनी है। सुनिए, गांव में छोरा छोरी अकेले में बात ना करत है, जो भी कहना है सबके सामने कहो। देखो गैना, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि उस दिन तुमने मुझे और ईशा को जिस तरह देखा वो सब एक एक्टिंग थी, मेरे मतलब एक नाटक था, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हाँ तो आप ये सब गैना को क्यों कह रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? गैना को फर्क पड़ता है। अच्छा, फर्क पड़ता है। गेना, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि हमें आंखों देखी पे विश्वास। ओफो राहुल, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। राहुल, आज तो हम लोग रोमांटिक वॉक के लिए जाने वाले थे ना। गेना, चलो सुनो। गेना मेरी बात तो सुनो। इतना प्यार से मत देख रघु, नहीं तो ये जमीन को तेरी ही नजर लग जाएगी। जमीन को कभी किसान की नजर नहीं लगती श्याम सुंदर जी। अच्छा, और तो भैया क्या फैसला किए हो? जमीन खरीदना है तो घर गिरवी रखे के पड़ी और राम प्यारी को बेचे के पड़ी, बोलो है मंजूर? हाँ
क्या दाम देंगे आप हमारे मकान का? ए, अब सुन रहा है, क्या पूछ रहे हैं? कान फाड़ फाड़ के सुन रहा है, फिर जवाब काहे नहीं देता बे? रघु का घर देखे हो? देखे सरकार, ज्यादा बड़ा ना है ना? और उससे तो बड़ा हमारे कमरा है मालिक। हाँ वही तो, हे भगवान, का मिलेगा उस मकान का? 25,000। अब तू भी कहा याद करेगा? केवल 25,000? हाँ तो जमीन भी गिरवी रख दे, 50,000-60,000 और मिल जाएंगे। अरे वाह श्याम सुंदर जी, हमारी जमीन आपकी जमीन जितनी बड़ी है। अपनी जमीन का दाम 2,00,000 और हमारी जमीन का 50,000। अरे तो तू जमीन गिरवी रखे की बात कर रहा है ना बेटा? उनका बेच दे, ज्यादा पैसा मिलेगा। अरे बस श्याम सुंदर जी, अपनी जमीन ना बेचेंगे हम, और उसे खरीदने के बारे में सोचना भी मत आप। अरे ये तो गलत बात है भाई, तू हमार जमीन खरीदे के बारे में सोच सकत है, और हम तुम्हार जमीन खरीदे के बारे में ना सोच सकत। यही तो अंतर है श्याम सुंदर जी, एक साहूकार और किसान, आप नहीं समझेंगे। क्योंकि आपके लिए जमीन एक सौदा है, लेकिन हमरे लिए हमारी माँ है। अच्छा ठीक है भैया, हम तुम्हार फर्क को समझ गए, अब तू भी हमार फर्क को समझ जा। 0 और 2,00,000 का फर्क, जमीन और घर गिरवी रख के 1,00,000 का फर्क तो मिट गया, बचा 1,00,000। तू का इंतजाम तू कैसे और कहां से करेगा ये बात में सोचेंगे ना। ना घर ना जमीन, 30 दिन में 2,00,000 का इंतजाम कर देंगे हम, ये वादा है रघु का। हाय रब हुआ, ओ कागज जब हुआ, ओ हाय रब हुआ, कागज जब हुआ, जब 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 हुआ, कागज जब हुआ, जब जब हुआ, कागज जब हुआ, जब जब हुआ, कागज जब हुआ, जब लव हुआ।